इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक वायर है जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो होता है, और 10 एम्पियर का करंट है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होता है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि इसके एक सेंटीमीटर पीस की वजह से, इसका कोई भी एक पीस है, लेट्स से इस पीस की बात कर रहे हैं, और इस पीस की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, इसमें भी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, और इस पार्ट की वजह से आपको 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इसके सामने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 200 सेंटीमीटर दूर, नॉर्थ ईस्ट का मतलब देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा कि यहाँ 45 डिग्री एंगल पर ईस्ट डायरेक्शन से, तो यहां से 45 डिग्री एंगल दूर एक पॉइंट है 200 सेंटीमीटर दूर, जिसका नाम मैंने रख दिया P के बराबर। ये जो डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर के बराबर है, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो हमने बायो सेवर्ट्स लॉ जो है पढ़ा था कि ये करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है। तो बायो सेवर्ट्स लॉ क्या होता है, डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। वहां पे डीएल जो थी वो उस एलिमेंट की लेंथ थी, और आर जो था वो उस एलिमेंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10^-7 इनटू आई, करंट है 20 एम्पीयर के बराबर, इनटू डीएल, डीएल इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 सेंटीमीटर इनटू 10^-2, सारी क्वांटिटी एसआई यूनिट में, और साइन थीटा का मतलब होता है कि आइडियल, ये जो वैक्टर है डीएल वैक्टर जो है और आर वैक्टर जो है उनके बीच में एंगल है विच इज 45 डिग्री। अब ये एंगल 45 है, तो सारे एंगल जो है जनरली फॉर्मूले में जो इस्तेमाल होते हैं वो सारे 45 ही होते हैं 45 के केस में। तो यहाँ पे हम साइन 45 लिखेंगे, दैट इज 1/√2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर इज अ डिस्टेंस विच इज 200 सेंटीमीटर इंटू 10^-2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। यदि डायरेक्शन भी देखना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि डीएल की तरफ आप अपनी फिंगर्स को पॉइंट कीजिए और कर्ल कीजिए उसको आर वेक्टर की तरफ, डीएल से आर वेक्टर की तरफ आप अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो आपका जो इरेक्ट थंब है वो बताता है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो डीएल क्रॉस आर जो है अंदर की तरफ आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, इनसाइड द पेपर प्लेन डायरेक्शन आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है कि दो वायर्स हैं और इनमें करंट दिखाया गया है आपको, और आपको पूछा गया है कि मिडवे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हम फॉर्मूला जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r, ये होता है एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन देखना भी, कि आपको किसी वायर की वजह से डायरेक्शन देखना है, तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी थंब को पॉइंट करें करंट की डायरेक्शन में, और जो आपका पाम है वो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है निकालने के लिए आप अपनी फिंगर्स को नीचे की तरफ पॉइंट कीजिए, नॉट फिंगर्स, थंब को नीचे की तरफ पॉइंट कीजिए, और आपकी राइट हैंड की जो पाम है वो कि जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से भी अंदर, तो मैं इसको 2 टाइम्स कर सकता हूँ। तो बी इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एक इंडिविजुअल की वजह से, तो आ जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r। ये डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना, कि 5 सेंटीमीटर है दोनों के बीच में, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर रखें, मीटर में उसको कन्वर्ट कर लें, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसको 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर से वाइंड किया गया है। वाइंडिंग जो है उसका स्पेसिफिकेशन दिया है 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल एन आपको दिया है, स्मॉल एन 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, पर मीटर में, तो आप क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको मिल जाएगा टर्न्स पर मीटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि करंट कितना चाहिए हमें जिससे मैग्नेटिक फील्ड 20 मिली टेस्ला के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड 20 मिली टेस्ला उसके अंदर हो सके। तो हम जानते हैं एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू जानते हैं, एन आपको दिया है, करंट आपसे पूछा है और बी आपको दिया हुआ है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। सब कुछ क्वांटिटी दी हुई है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर में दिया है कि आपको एक ये वायर है कर्व शेप का, कुछ इस तरीके से ए बी सी डी जो है, ये बी से ए एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, और इस पूरे सिस्टम की वजह से आपको इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किस डायरेक्शन में होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं कि ये कर्व पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, यदि कोई कर्व पार्ट है और वो एक थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा, इसमें करंट है मान लीजिए कोई आई के बराबर, इसका रेडियस है आर के बराबर,
तो फॉर्मूला इस पॉइंट पर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यूनोट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा इंटू थीटा, ये फॉर्मूला होता है थीटा इन रेडियन, इन रेडियन ये फॉर्मूला है। तो जितना एंगल ये सबटेंड करता है वो एंगल यहां पर डालेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है एट सेंटर। अब यहां पर देखिए कि ये हमारे पास इसको चार पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि ये एक आर्क है ए टू बी और सी टू डी इज ऑल्सो ए आर्क और सी डी जो है बी और सी और ए डी ये एक स्ट्रेट लाइन वायर है। तो हम जानते हैं कि यार इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने वाला है क्योंकि बायो सेवर्ट्स लॉ में आपने पढ़ा होगा कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में यदि एंगल जो है जीरो के बराबर है 180 के बराबर है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो हमें इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। और एक बात ध्यान ये रखनी है कि ए बी जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसमें करंट है इस डायरेक्शन में, तो आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ओ पॉइंट पर बी ए बी ड्यू टू ए बी जो है वो होने वाला है अंदर की तरफ बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ये वाला, और डी टू सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी सी वो किस डायरेक्शन में होने वाला है वो क्लॉकवाइज है तो उसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलने वाला है। तो आप इसको पॉजिटिव मान लीजिए, इसको नेगेटिव मान लीजिए, इस बड़े वाले को पॉजिटिव छोटे वाले को नेगेटिव, उस अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं किस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि आइडेंटिकल सोलेनॉइड्स हैं पी क्यू एंड आर और इसमें करंट जो है 2 एम्पियर के बराबर है, 2 एम्पियर के बराबर इसमें करंट है। तो हम चाहते हैं कि फील्ड जो है क्या होगा सेंटर पर और फील्ड बताना है आपको, 2 टेस्ला है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, 2 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, आपको इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये जो सॉलिनॉइड है क्योंकि ये आइडेंटिकल है, सॉलिनॉइड क्या होता है बेसिकली उस पर जो है तार लिपटा होता है, तो जितना तार इस पर लिपटा हुआ है उतना ही तार इस पर लिपटा हुआ है उतना ही तार इस पर लिपटा हुआ है। यदि इसका रेजिस्टेंस आर के बराबर है तो इसका रेजिस्टेंस भी आर के बराबर होगा, इसका रेजिस्टेंस भी आर के बराबर होने वाला है। यदि इसमें करंट आई के बराबर फ्लो होगा तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज दीज आर द सेम रेजिस्टेंसेज तो इसमें भी करंट जो है और इसमें करंट जो है वो आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। इसमें करंट यदि आई के बराबर फ्लो हो रहा है तो इसमें करंट आई बाई टू फ्लो होगा, इसमें करंट जो है आई बाई टू फ्लो होगा। करंट की बात कैसे आई, क्योंकि ये सिंपल वायर ही तो है, सोलेनॉइड क्या है वायर ही तो है, वायर में ही तो करंट जाता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, क्योंकि इन तीनों के लिए जो करंट आपके पास करंट जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज स्मॉल एन वो समान है, सबके लिए स्मॉल एन की वैल्यू एक जैसी है। तो मैं कह सकता हूं कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो यदि करंट आधा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में ये जो क्यू वाली सॉलिनॉइड है उसमें हो जाएगा आपके पास पी में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आधा, तो 2 टेस्ला / 2 कितना जाएगा आपके पास 1 टेस्ला आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट 5 एम्पियर जाता है, यदि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो रेडियस आपको बताना है। तो हम जानते हैं बड़ी अच्छे तरीके से कि एक लूप है इसमें कोई करंट है, इसका रेडियस है आर के बराबर, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट, आर इज रेडियस, ये दिया है आपको, आपको ये पता ही होता है 4π × 10⁻⁷, ये दिया है 1 के बराबर, करंट आपको दिया है और आपसे रेडियस पूछा गया है, आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये देखिए बेटा यहां जो करंट आता है, यहां करंट आई दिया है, यहां करंट आई दिया है, जितना करंट आया उतना करंट निकल रहा है। अब ये जो वायर है क्योंकि ये मिडिल में से कनेक्टेड है तो मैं कह सकता हूं जितनी लेंथ ऊपर है उतनी ही लेंथ नीचे है, ऊपर लेंथ यदि पाई आर के बराबर है तो नीचे वाली लेंथ भी कितनी है पाई आर के बराबर, और सेम वायर है एक ही जैसा वायर है तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो जितनी लेंथ उतना ही रेजिस्टेंस, तो जितना रेजिस्टेंस इसका होगा उतना ही रेजिस्टेंस इसका होगा। तो यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं कुछ इस तरीके से, आपका सर्किट डायग्राम मिलने वाला है इस तरीके से, इसमें करंट यदि आई के बराबर है, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो मैं कह सकता हूं करंट जो है वो आधा आधा डिवाइड हो जाने वाला है, करंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा इसमें, ठीक बात, जितना कर्वेचर रेडियस इसका इसका है उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, ये जो ऊपर वाला वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा अंदर की तरफ, और जो नीचे वाला वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ।
इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से बाहर, लोकेशन सेम है, आइडेंटिकल ये वायर्स हैं, तो मैं कह सकता हूं टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो के बराबर आपको मिल जाएगा। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टोटल जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से जितना है उसकी वजह से उतना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनकी वजह से कोई भी फील्ड होने नहीं वाला है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन घूमता है इतने रेडियस में, आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बताना है। तो ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट कर लीजिए यहां से, ये पॉइंट कोई भी यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस पॉइंट से ये टी टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये पास होता है, तो मैं कह सकता हूं इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एक करंट यहां पे एग्जिस्ट करेगा, और उस करंट की जो वैल्यू है वो होने वाली है चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल। चार्ज कितना है ई, और टाइम कितना ले रहा है ये वापस आने में उस पर्टिकुलर पॉइंट से, 2πr/v के बराबर। ये करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, करंट इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट, तो इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, और करंट यदि हमें मिल गया इस लूप में तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू μ0 upon 4π μ0 ni by 2r फॉर्मूला लगा सकते हैं। n की वैल्यू 1 पुट करनी है आपको, n इज इक्वल टू 1, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको करंट पता है, μ0 पता है, r पता है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में घूम रहा है, चार्ज q है उसका, मास m है, स्पीड v है, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है इस पार्टिकल का कितना होगा। तो भाई ये देखिए, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे पिछले सवाल की तरह, करंट होगा इस डायरेक्शन में, करंट की वैल्यू होने वाली है e अपॉन 2πr/v, ये करंट है। अब करंट मिल गया हमें, और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट वो क्या होता है, n i a, n इज नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज 1, करंट हम निकाल ही चुके हैं, एरिया इज πr2। सॉल्व कर लेंगे, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक हेक्सागोनल शेप है का कॉइल है, जिसकी साइड दी गई है 50 टर्न्स है उसमें, आपको बताना है कि करंट उसमें है ये, एंड करंट कैरिंग करंट आई इन यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट आई बाई पाई इस, तो आपको इस तरीके से निकालना है और करंट निकालना है कितना होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यदि एक फाइनाइट वायर है और आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, तो हम क्या करते हैं कि ये एंगल अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं, बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, और फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड का, बी इज इक्वल टू μ0 upon 4πi/r, आर इज अ डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हियर, और यह आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। अब हेक्सागोनल हमें कोई शेप दिया है, हेक्सागोनल शेप है, तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन की तरह ये आपके पास मिलने वाला है। कोई भी एक वायर ले लीजिए, इस वायर के लिए ये एंगल होगा 60, तो ये हो जाएगा आपके पास 30, ये हो जाएगा 30, इसमें करंट मान लीजिए इस तरीके से है, तो मैं इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। ऐसे ही मैं इस वायर के लिए भी कर सकता हूं यही चीज। ये सारे एंगल जो है, एंगल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा सारी की सारी साइड्स के लिए। जो कॉन्फ़िगरेशन इस वायर के लिए है वही कॉन्फ़िगरेशन इस वायर के लिए होगा, वही कॉन्फ़िगरेशन इस वायर के लिए होगा, वही कॉन्फ़िगरेशन इस वायर के लिए, वही इसके लिए, वही इसके लिए, सारे एंगल्स जो हैं वो ऐसे 30-30 होने वाले हैं, 30 ये 30। तो मैं एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखूं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे इन सारी 6 की 6 जो साइड्स हैं उनका हिसाब मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4πi/r, r इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, यदि इसकी साइड ए है तो ये डिस्टेंस भी होने वाला है ए के बराबर, और ए कॉस 30 आपको मिल जाएगा, ए कॉस 30 आई बाई आर साइन 30 प्लस साइन 30 साइन 30 प्लस साइन 30, ये आपको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड इस हेक्सागोनल शेप की वजह से। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 50 है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है 50 है, तो 50 लेयर्स और हैं, 50 लेयर्स हैं यहाँ पर, तो 50 से मल्टीप्लाई मुझे और करना पड़ेगा, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कि हमारे पास एक वायर है और इस वायर में जो करंट है उसकी लेंथ के अलोंग फ्लो होता है, इस वायर की लेंथ के अलोंग फ्लो होता है इसमें करंट आई के बराबर। ठीक, आपसे पूछा गया है कि इस वायर का जो एक्सिस है
उस एक्सिस से ए बाई थ्री डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है, और टू ए डिस्टेंस पर उसके एक्सिस से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है उनका रेशियो आपको बताना है कितना होगा। तो आप क्या करेंगे इसमें कि ए बाई थ्री डिस्टेंस पर यदि मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो आप एक एम्पीरियंस लूप यहां पे बनाइए। एक एम्पीरियंस लूप एक इमेजिनरी लूप होता है जिसके ऊपर हम एम्पीयर्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि इसमें करंट इस डायरेक्शन में है तो मैं कह सकता हूं सिमेट्री से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट विल बी टेंजेंशियल टू दिस लूप। टेंजेंशियल टू दिस लूप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। अब मैं इस एम्पीरियंस लूप के ऊपर एम्पीयर्स लॉ इस्तेमाल करूंगा तो मैं लिखूंगा बी इंटू टू पाई ए बाई थ्री इज इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई म्यू नॉट इंटू करंट। अब इस लूप के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि यूनिफॉर्मली करंट इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होता है आई के बराबर। तो इस एरिया से कितना करंट पास होगा ये यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हैं बिकॉज यूनिफॉर्म करंट हमें दिया हुआ है। तो हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज पाई ए स्क्वायर एरिया से करंट फ्लो होता है आई के बराबर, तो यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो होगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर से, और पाई ए स्क्वायर बाई नाइन पाई ए बाई थ्री स्क्वायर यानी कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट पास होगा हम निकाल सकते हैं ऐसे आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर बाई नाइन। तो यहां से आपको मिल जाएगा आई बाई नाइन के बराबर करंट इस छोटे से एरिया से पास होगा। तो मैं यहां पे करंट की वैल्यू लिख सकता हूं आई डैश, ये आई डैश की वैल्यू अभी आई बाई नाइन, ये करंट आप यहां रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा बी की वैल्यू बी वन इसको नाम दे देते हैं। अब आपको यही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 2a डिस्टेंस पर, तो मैंने एक और एम्पीरियंस लूप लिया 2a डिस्टेंस एक्सिस से और मैं यहां पे कह सकता हूं अगेन यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी टेंजेंशियल टू दिस लूप। टेंजेंशियल टू दिस लूप आपको करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलने वाला है। तो यहां पे मैं एम्पीयर्स लॉ यदि इस्तेमाल करता हूं तो आपको मिलेगा बी टू इंटू टू बाय टू ए इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि करंट है ही सिर्फ इस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से है। तुम कितना भी बड़ा लूप बना दें करंट की वैल्यू यहां पे आई ही रहेगी। टोटल करंट जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला करंट ही होने वाला है। तो म्यू नॉट इंटू आई यहां पे हम रख देंगे वैल्यू तो आपको मिल जाएगा यहां से बी टू की वैल्यू और यहां से बी वन आपको मिल चुका है और आप बी वन बाय बी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी होगी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का लूप है जिसमें करंट दिया है, आपको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पर उसके। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे सेंटर्स एक ही जगह पर लाई करेंगे। ये आप लूप बना लीजिए और इस लूप में करंट का कोई भी सेंस आप मान सकते हैं क्योंकि सिर्फ हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है। तो कोई ये पॉइंट है सेंटर, सेंटर तो आप क्या करेंगे कि इससे इस वर्टाइसिस से इस सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए, वर्टाइसिस से सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए, वर्टाइसिस से सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी होगी। मान लीजिए डिस्टेंस r के बराबर है, ये डिस्टेंस देख लीजिए ये भी r के बराबर होगी और ये डिस्टेंस देख लीजिए r के बराबर होगी। ये एंगल्स आप निकाल लीजिए कितने होंगे। कैसे निकालेंगे सर ये एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये टोटल एंगल होगा 60 डिग्री के बराबर, तो ये आधा एंगल कितना होगा 30 के बराबर। सारी चीजें इसमें सिमेट्रिक हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये एंगल 90 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। ये एंगल कितना है 30 डिग्री के बराबर, ये कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर अगेन। अब मैं इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। कैसे, हम फॉर्मूला जानते हैं ऑलरेडी, मैंने बता रखा है फॉर्मूला। यदि किसी इस पॉइंट पर ये मान लीजिए एंगल अल्फा के बराबर है, ये एंगल जो है बीटा के बराबर है, तो मैं फॉर्मूला जानता हूं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के बराबर होता है फॉर्मूला। ये एंगल अल्फा ये बीटा और आर जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। फिर फॉर्मूला आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे इस वायर के लिए और इस वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही जो होगा वो उसके बराबर होगा, यानी कि इन तीनों के वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आइडेंटिकल होने वाला है, जितना इसकी वजह से यहां पर उतना ही इसकी वजह से यहां पर उतना ही इसकी वजह से यहां पर होगा। तो आप 3 times कर सकते हैं, एक का निकाल के 3 times कर देना और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि दो आइडेंटिकल वायर है लेंथ एल के, उनको बेंड किया जाता है, सर्कुलर लूप बनाया जाता है उनको बेंड करके, और दूसरे वायर से क्या करते हैं हम एक एन टर्न्स का एक और सर्कुलर कॉइल बनाते हैं। इफ द सेम करंट इज पास्ड इन बोथ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द
सेंटर ऑफ द लूप टू द सेंटर ऑफ द कॉइल। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए सवाल को। एक वायर है जी, आइडेंटिकल वायर है, एक वायर है, इसका लेंथ मैंने मान लिया एल के बराबर है, ठीक है। अब इस वायर के साथ हमने दो उपचार करे हैं, दो चीजें करी हैं। एक तो इसको बना दिया मैंने एक सिंगल टर्न का एक सर्कुलर लूप, एक सिंगल टर्न का सर्कुलर लूप बना दिया मैंने, और मैंने मान लिया कि इस लूप में लूप का जो रेडियस है वो आर वन के बराबर है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन के बराबर, एन के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो सर्कमफेरेंस है वो इसकी लेंथ के बराबर होगा। इसी को एक बार मोड़ के मैंने वायर बना दी, लूप बना दिया, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एल इज इक्वल टू टू पाई आर वन, इक्वेशन नंबर वन। अब हमने क्या किया है कि इस वायर को लेकर हमने एन नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए हैं, एन बार इसको लपेट दिया है। तो अब हमारे पास यहां पे एक लूप बनता है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें है एन के बराबर, और इसका रेडियस मैंने मान लिया आर टू के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल सर्कमफेरेंस जो इसको बनाने में इस्तेमाल हुआ है वो एल के बराबर है। सो आई कैन राइट हियर एल इज इक्वल टू एन टाइम्स टू पाई आर टू। ये आपके पास हो गया ये रिलेशन। अब यहां से आप R1 निकाल सकते हैं, R1 की वैल्यू कितने होने वाली है L अपॉन 2 पाई, और यहां पे R2 की वैल्यू कितने होने वाली है L अपॉन 2 पाई n। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n के बराबर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 के बराबर है, n इज इक्वल टू n। अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं म्यू नॉट n i, नंबर ऑफ टर्न्स इज 1 इनटू करंट i के बराबर अपॉन रेडियस r1। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम देखेंगे तो आपको मिलेगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, करंट कितना है i दोनों में, डिवाइडेड बाय रेडियस r2। दोनों का रेशियो आप निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि दो लूप हैं और दोनों के एक्सिस जो है सेम है, कोएक्सियल है दोनों, और उनके मिड पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल जो है ये क्या होते हैं बेटा, कोएक्सियल कॉइल होते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसा है, कुछ इस तरीके से कॉइल है, इस तरीके से इसमें करंट आई है, इसमें करंट आई है, और ये जो डिस्टेंस है यहां से r बाई टू है, और ये डिस्टेंस है r बाई टू, इनका रेडियस r के बराबर है, दोनों का रेडियस r के बराबर है। तो भाई देखिए, यदि हम इस लूप की वजह से इसके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें तो आप लगा सकते हैं कि इसको जो है करंट की सेंस में यदि हम फिंगर्स को रोटेट करते हैं, कर्ल करते हैं, तो जो थंब की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो मैं कह सकता हूं इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर ऐड होने वाला है डायरेक्टली। और अब फॉर्मूला जानते हैं एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लगाइए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाई 2। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू जो है आप r बाई 2 पुट कर दें, x की वैल्यू r बाई 2 पुट करें, तो हमारे पास टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिलेगा 2 टाइम्स, बिकॉज दो रिंग है दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ रहा है, इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स इज आर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 4 रेज टू द पावर 3 बाई 2। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का टोटल वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि कौन सा जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का वो सही है। अब हम एक बात तो ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। दूसरी बात, वायर है बेचारे वायर हैं, एक अंदर है एक बाहर है, तो हम इतनी बात भी जानते हैं कि इनके बीच में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो होने ही वाला है। इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो होगा। क्यों होगा? बिकॉज इनमें डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। कि इसकी वजह से मान लीजिए वायर ऐसे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? इसकी वजह से बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो होने वाली है ऊपर की तरफ, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बीच वाले रीजन में वो भी होने वाली है ऊपर की तरफ। सो इन द रीजन बिटवीन टू वायर्स मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, गलत है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है। अब बचे आपके पास ए और सी ऑप्शन, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ए और सी में देखिए बीच वाले रीजन में ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने बताया भी है आपको एक्सप्लेन करके, इसका मतलब ये सही ऑप्शन है,
ये गलत है क्योंकि इसमें एरो की डायरेक्शन उल्टी दी हुई है. एरो की डायरेक्शन यदि सही कर देते, ऑपोजिट कर देते, तो यदि ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि दो पैरेलल वायर्स हैं और उनमें सेम करंट फ्लो होता है. आपको मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बताना है कौन सा सही होगा. तो बेटा ये देखो कि एक वायर है ऐसा और एक वायर है ऐसा, ठीक. अब मैं किसी मिडिल वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूं, सिर्फ डायरेक्शन देखिए आप. तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ होगा और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर वो नीचे की तरफ होगा. ये दोनों आइडेंटिकल हैं और मैं यदि मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. इसका मतलब इन दोनों वायर्स के बिल्कुल मिड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होने वाला है, बिकॉज ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड मिड पॉइंट पर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. तो कौन सा ग्राफ में एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की? तो हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन नहीं है, और सॉरी ये कौन सा है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है. डी में क्लियर कट यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, एग्जैक्ट जीरो वैल्यू आपको मिल रही है, यहां पर भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल रही है. तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है. एग्जैक्ट जीरो वैल्यू हमें मिल जाएगी मिडिल पॉइंट पर. अब आप क्या करिए, इसके किसी भी राइट वाले पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए किस तरफ होगी. तो ये वायर है बाहर की तरफ, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ होगा और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऊपर की तरफ होगा. तो हम ये जान गए कि इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन के सबसे राइट वाली साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है. तो आप ए और डी ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि जो सबसे उधर की तरफ है, सबसे राइट वाली डायरेक्शन है, वहां मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ. इसमें नीचे की तरफ है, ये गलत हो जाएगा. इसमें ऊपर की तरफ है, एक्स एक्सिस से ऊपर. तो ये वाला जो ग्राफ है आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है कि करंट है और एक थिन वॉल ट्यूब में जा रहा है. मैग्नेटिक इंडक्शन किसी भी पॉइंट पर आपको बताना है अंदर की तरफ. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं सवाल. ये आपके पास करंट कैरिंग ट्यूब है, करंट इसमें जाता है I के बराबर, करंट जाता है I के बराबर. आपको क्या करना है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट जो है, उस आर डिस्टेंस पर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो हमने एक एम्पीरियंस लूप ले लिया, इसको सॉल्व कर लेंगे. बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. अब इस पोर्शन में से करंट निकलने वाला आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं. दैट विल बी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई. इसका रेडियस कितना है, रेडियस दिया है इसका थिन वॉल ट्यूब इन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट इनसाइड द क्यूब, ठीक, इंटू इसका खुद का रेडियस आर स्क्वायर. ये आप लिख लेंगे, ठीक. और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये जो वॉल है ये बहुत थिन है. ये वॉल क्या है बेटा, ये थिन है, यानी कि लिमिट जो है लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, जीरो के बराबर आ जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर होगा यदि रेडियस जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है उस वायर की रेडियस, ठीक है. नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि दो वायर्स हैं, उनका लेंथ एल है. एक को बेंड कर दिया है सर्कल की फॉर्म में और दूसरे को बेंड कर दिया है स्क्वायर की फॉर्म में. आपको उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड्स का रेशियो बताना है कितना होगा. तो एक एल लेंथ का वायर है बेटा, एक एल लेंथ का वायर है. इसको हमने दो काम किए हैं इसके साथ. एक तो इसको एक लूप में कन्वर्ट कर दिया. इसका रेडियस मान लीजिए एल के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2πr. इसका रेडियस आर के बराबर है, तो 2πr इज इक्वल टू एल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर वन. एक स्क्वायर इसको यदि हम बना देते हैं, स्क्वायर की साइड मान लीजिए ए के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ 4a इज इक्वल टू एल. क्वेश्चन नंबर टू. अब इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे सेंटर पर, स्क्वायर की वजह से फील्ड निकालेंगे सेंटर पर. स्क्वायर की वजह से कैसे निकालेंगे कि यार हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है. इसको चार डंडियां मान लीजिए, चार इसको फाइनाइट वायर मान लीजिए, और फाइनाइट वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है, म्यू नॉट अपॉन 4πi बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. तो उससे आप इनका रेशियो निकाल सकते हैं. आसान सवाल है. क्वेश्चन नंबर 19 में दो वायर हैं और उनकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. कितना होगा, एक वायर है जिसमें करंट साउथ से नॉर्थ जाता है और एक वायर है जिसमें करंट वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाता है. आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किस डायरेक्शन में होगा. तो देखिए बेटा, ये जो वायर है जो हॉरिजॉन्टल में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, इसमें करंट की डायरेक्शन में अपना थंब पॉइंट कीजिए और आपको अपना जो पाम का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा. तो पाम जो है आगे की तरफ है, सामने की तरफ है. तो मैं कह सकता हूँ यदि इस वायर को मैं वन कह देता हूँ, तो बी वन की वैल्यू जो है वो बाहर की तरफ होने वाली है, बाहर की तरफ होने वाली है. और यदि मैं इस वायर वर्टिकल वायर की बात करूं, तो वर्टिकल वायर में करंट है इस डायरेक्शन में और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा. तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 विल बी अंदर की तरफ. B1 बाहर की तरफ है, B2 अंदर की तरफ है. इनकी वैल्यूज की बात करें, मैग्नीट्यूड्स की बात करें, तो इसकी
ये जो डिस्टेंस है ये आर है बेटा, और ये डिस्टेंस है ये भी आर है, दोनों डिस्टेंसेज जो है आपस में बराबर है, डी दिया है क्वेश्चन में, तो आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई बाई डी, और ये वैल्यू भी आएगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई बाई डी। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो फाइनल आंसर है नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो, एक दूसरे के फील्ड को ये कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि एक डायपोल मोमेंट बताना है सर्कुलर लूप का जो आई करंट कैरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर बी वन के बराबर है। यदि डायपोल मोमेंट को डबल कर दिया जाता है कीपिंग द करंट कॉन्स्टेंट, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप कितना होगा। तो एक लूप है, लूप इसमें मान लीजिए कोई करंट आई फ्लो होता है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर नॉट के बराबर है, तो हमें कह सकते हैं इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा एम वो होगा करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में दिया है क्या कुछ? नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में नहीं बताया गया है। सर्कुलर लूप, अ सर्कुलर लूप, अ सर्कुलर लूप है, एक लूप है, तो मैं लिख सकता हूं एन नंबर ऑफ टर्न्स करंट आई इंटू एरिया पाई आर नॉट स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की बात करें तो मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर बी वन आपको दिया है, बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, एन की वैल्यू वन है, इंटू आई डिवाइडेड बाई टू आर, टू आर नॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बता दी। अब क्वेश्चन में कहा है कि हम डायपोल मोमेंट को डबल कर देते हैं बाय कीपिंग द करंट कॉन्स्टेंट। अब यदि करंट को आप कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, करंट को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं और डायपोल मोमेंट को डबल करना है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम रेडियस को चेंज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो डबल्ड हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, डबल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, उसके लिए हम कह सकते हैं इज इक्वल टू वो होगा पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स वन, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हमने उसका रेडियस चेंज कर दिया है उस लूप का। तो यहां से हम नया रेडियस निकाल सकते हैं, एम की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर वन से उठा दें, इक्वेशन नंबर वन से आप क्या करें एम की वैल्यू उठा के वहां रख दीजिए, एम की वैल्यू आपको मिलेगी आई इंटू पाई आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर डैश का स्क्वायर। सो आई से आई गया, पाई से पाई गया, आर डैश की वैल्यू आ जाती है आपके पास रूट टू टाइम्स आर नॉट। अब आपसे पूछा गया है कि अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसके सेंटर पर उसकी वैल्यू जो होगी बी टू के बराबर, तो मैं अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं उस नए लूप के लिए, नए लूप के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो आपको मिलेगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन इंटू आई बाय आर, आर कितना है अब रूट टू आर नॉट के बराबर हो चुका है, तो हम बी वन बाय बी टू का रेशियो निकाल सकते हैं, बी वन बाय बी टू का रेशियो आपको मिल जाएगा। सो ये बी वन है बाय टू, वन बाय रूट टू, सो वन बाय टू बाय वन बाय रूट टू, अच्छा बी नॉट एन बाय टू आर होता है तो टू रूट टू आएगा, सो इट विल बी रूट टू, रूट टू आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं।